हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और सबको पसंद आने वाला आइस टी। समर में या फिर पार्टी में ये ज़रूर सर्व होता है और रेस्टोरेंट में तो बहुत ही टेस्टी मिलता है। बिल्कुल आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है ये टी। गर्मियों में ये पीना बहुत ही पसंद आता है सबको, क्योंकि ये टी बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। इसमें मिंट है, लेमन है और आइस है, तो ये सबको पसंद आने वाला है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें फ्रेश पुदीना चाहिए, मिंट, लेमन, चाय पत्ती और चीनी। ये वाली टी बनाने में थोड़ा सा चीनी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें हम आइस डालते हैं तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। अब लेमन को हमने ऐसे स्लाइस में कट कर लिया है। अब पानी डालेंगे बॉयल करने के लिए, उसमें शुगर डालेंगे 4 टीस्पून। अब शुगर जब पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और लेमन का 1 या 2 स्लाइस डालेंगे इसमें। अगर आपको कम लेमन पसंद है तो आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस टाइम पर, बट आइस टी में लेमन बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें चाय पत्ती बहुत ही थोड़ा सा डालते हैं, तो बस 1 टीस्पून चाय पत्ती डालेंगे इसमें। हल्का सा ऑरेंज टाइप का इसका बस कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वा लगने लगेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आइस टी बनाएं। और इसे 4 से 5 मिनट तक बॉयल होने देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बस ऐसा ही कलर हमको चाहिए। अब बस थोड़ा सा और उबालकर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बस ये हो गया है, अब इसको हम छान लेते हैं। लेमन आइस टी पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, इसे आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हम बनाते हैं और पीते हैं, क्योंकि ठंडा कुछ भी चाहिए होता है। अब उसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके पहले ग्लास या जार जिसमें भी आप सर्व करना चाहें उसमें पहले लेमन डालेंगे, फिर पुदीना का कुछ पत्ता, मिंट लीव्स। ये टी बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश लगता है इसको पीने के बाद। ऐसे ही अगर ग्लास में सर्व करना है तो फिर लेमन का स्लाइस डालेंगे, फिर मिंट डालेंगे। आप चाहें तो मिंट को क्रश करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम आइस डालेंगे, आइस ढेर सारा डालना होता है। ये नेम से ही पता है कि लेमन आइस टी है, तो आइस तो बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। तो आइस क्यूब आप 6 से 7 डालें 1 ग्लास में। अब वो चाय ठंडा हो गया है, इसको ऊपर से डालेंगे आइस के ऊपर से। बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है ये। बहुत ही कूल लेमन आइस टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी बनने वाला है ये। ऐसे ही इजी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू रेसिपी, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू।